हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू विजय बर्ड्स लवर। फ्रेंड, मेरे पास एक कॉकटेल पैरट्स का जोड़ा है जिसका मेल वाइट फेस है और उसकी जो फीमेल है वो एल्बाइनो रेड आइज है। तो उनकी पेयरिंग किए हुए मुझे काफ़ी समय हो गया है और अभी तक उसने ब्रीड नहीं की है। ब्रीड क्यों नहीं की वो भी मैं आपको बताऊँगा। और अब मैं कुछ बदलाव कर रहा हूँ, तो वो क्या मैं बदलाव कर रहा हूँ वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊँगा, दिखाऊँगा भी साथ में सब कुछ आपको। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट जो है कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होते हैं, पहले भी मैंने किए हुए हैं, आजमाए हुए हैं और मैं उसमें सफल रहा हूँ। देखते हैं इस बार ही क्या होता है। तो चलिए आपको मैं वो जोड़ा भी दिखा देता हूँ और क्या बदलाव कर रहा हूँ वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखें, सामने आपको नज़र आ रहा होगा, ये वो जोड़ा है और इसको मैंने अभी यहाँ पर सेट किया है इस पिंजरे में, ये सामने। तो पहला बदलाव हो गया हमारा, इसका पिंजरा चेंज हुआ, इसकी जगह चेंज हुई। पहले यहाँ पर ये नीचे था, तो नीचे ये सेट नहीं हो रहा था, तो अभी मैंने इसको यहाँ सेट किया है। ये देखें, पहले इसका जोड़ा इस फीमेल के साथ लगा हुआ था, आपने पहले भी इसकी ब्रीडिंग प्रोग्रेस देखी होगी पिछले ब्रीडिंग सीजन में। तो इस बार मैंने इसका जोड़ा तोड़ा और इसके साथ जो है वो एल्बाइनो की फीमेल दी मैंने। एल्बाइनो कि फीमेल के साथ जिस मेल का जोड़ा था वो पाइड का मेल है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो अच्छे से इनकी पेयरिंग भी हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं इनको जगह सूट नहीं हो रही थी। तो मैंने काफ़ी टाइम तक इंतज़ार किया, मैंने सोचा कि चलो इसको इसके हाल पर ही रहने देते हैं, ब्रीड ये कर देगा। लेकिन कोई भी ब्रीडिंग एक्टिविटी मुझे देखने को नहीं मिली। ये देखें, ये वो मेल है, इसने ब्रीड की थी उस एल्बाइनो के फीमेल के साथ। तो इन दोनों का जोड़ा तोड़ा, तो ये तो जोड़ा सेट हो गया, अभी इसकी मटकी में बच्चे भी हैं। लेकिन ये जो जोड़ा है, जोड़ा तो बन गया लेकिन जो है वो कोई भी ब्रीडिंग एक्टिविटी देखने को नहीं मिल रही। तो इसकी जो कहीं ना कहीं इसका जो इश्यू है वो जगह का इश्यू है। तो अब इसका पिंजरा चेंज हुआ है और यहाँ मैंने सेट किए हुए लगभग 5 दिन हो गए हैं, आज 5वां या 6ठा दिन है, तो काफ़ी दिन हो गए हैं इस पिंजरे में रखे हुए। तो अभी बिल्कुल ये सेट है और अभी जो है मैं एक और दूसरा जो बदलाव करूँगा वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो ये देखिए, जाली कट हुई है, इसी केज में पहले इस एल्बाइनो की फीमेल ने ब्रीड की थी और बॉक्स में ब्रीड की थी। तो इस बार मैंने इसको मटकी दी, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मटकी की वजह से भी ब्रीड ना करने की ये वजह भी हो सकती है। तो खैर, मैंने टाइम लिया, मैंने कहा चलो बदलाव कर देंगे इसका। तो अब मुझे लगा कि यार टाइम ज़्यादा हो गया है, तो अब बदलाव करना ही पड़ेगा। तो ये है वो दूसरा बदलाव। अब मैं इसको जो है वो बॉक्स दूंगा, ये वही बॉक्स है जिसमें इसने पहले ब्रीड की थी। तो इस बार मैंने थोड़ा इसमें कलर कर दिया था, तो कलर किए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, तो ऐसे ही ये पड़ा हुआ था। तो अब ये फिर से जो है काम आने वाला है। और ये देखें, कटिंग जो है पहले की हुई है, ये वही पिंजरा है, तो इसमें कटिंग करने की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ी है। तो अभी इस बॉक्स को भी मैं सेट कर दूंगा, ये पहले मटकी लगी हुई थी। तो अब फिर से दिक्कत ये हो सकती है क्योंकि मेल ने अभी तक मटकी में ही ब्रीड की है जबकि इस फीमेल ने बॉक्स में ब्रीड की है। तो ये देखें, ये बॉक्स तैयार है, ये मैंने वायर जो है आगे मैंने स्क्रू कस दिए थे, स्क्रू के साथ ये लोहे की जो तार है मैंने वो बांध दिया, इसकी सपोर्ट से हम उस जाली में अच्छे से इसको हैंग कर देंगे, अच्छे से लगा देंगे। तो ये मेल ने जो है मटकी में ब्रीड की और फीमेल ने बॉक्स में की है। तो जहाँ तक मुझे लगता है मेल का इश्यू नहीं है, क्योंकि फीमेल अगर बॉक्स में आना जाना शुरू कर देगी तो भाई मेल भी जो है उस फीमेल के पीछे पीछे भाई वो सेट हो जाएगा, तो उसकी टेंशन नहीं है। तो ये दो बदलाव मैंने किए हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं इस बार भी जो है इन दोनों बदलाव में मैं सफल हूँगा इस बदलाव में, और ये जोड़ा जो है बिल्कुल ये ब्रीड करेगा। तो बॉक्स जो है वो लग गया है, तो बॉक्स लगाने से बॉक्स का वेट काफ़ी हो गया था। तो ये देखें, मैंने एक सपोर्ट में वायर लगा दिया है और ये दीवार में एक कील लगा दी थी, पहले ही लगी हुई थी ताकि ये आगे की तरफ गिरे ना, क्योंकि काफ़ी भारी है। और ये पिंजरा भी मैंने पहले ही बांध रखा है, इस साइड में भी ये जो है वो कॉलोनी की जाली से बांध रखा है ताकि गिरे ना, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो सब कुछ हमें देखना पड़ता है।
तो ये देख लें, अब वो फीमेल की एक्टिविटी देख लें, आपके सामने है। जैसे ही बॉक्स लगा, मैं दूर हटाऊं और फीमेल ने जो है वो जांच पड़ताल शुरू कर दी है बॉक्स का, जो देखें बॉक्स में जाने की तैयारी जो है वो कर रही है, ये देख लें। तो इसकी इस एक्टिविटी को देखकर लग रहा है कि बहुत जल्द हमें जो है वो खुशखबरी मिलने वाली है। तो बिल्कुल जल्दी मैं आपको अपडेट ज़रूर दूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी जो है वो क्रॉसिंग स्टार्ट होगी और अंडे हमें देखने को मिलेंगे। क्योंकि जैसे ही मैंने इसकी जगह बदली, इस पिंजरे में ये जोड़ा आया, तो पिंजरे में डालते ही जो है वो मेल फीमेल की एक्टिविटी बिल्कुल अलग ही हो गई। मेल भी फुल अपनी रंगत में आ गया, सीटियाँ मारने लग गया। तो मुझे लग गया था कि ये ब्रीड के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर 4-5 दिन इस पिंजरे में लगा रखा सॉरी, और आज मैंने आपके सामने ही बॉक्स लगाया है। आज डेट है, आज 9 तारीख है, वो कोशिश करूँगा कि आज ही ये वीडियो आपके सामने आ जाएगी। बाकी जल्दी आपको नेक्स्ट अपडेट में ज़रूर दूंगा। तो ये देख लें, बस फीमेल जाने की तैयारी में। तो पहले भी मैंने ऐसे बदलाव बहुत किए हैं। मेरे पास एक जोड़ा बजीज पेरोट्स का था, 100 बजीज का, उसने ब्रीड नहीं की, उसकी जगह मैंने चेंज की, तुरंत ब्रीड हो गई। वो वीडियो हमारे जो दूसरा चैनल है दी एग्जॉटिक बर्ड्स ऑफ जोधपुर राजस्थान, उस चैनल पर सारी वीडियो मौजूद है। कॉकटेल का एक जोड़ा था जिसने भी ऐसा किया था, उसकी भी जगह मैंने चेंज की तो उसकी भी ब्रीड हो गई। लोबर्ट्स का भी एक जोड़ा था मेरे पास, उसने भी ब्रीड नहीं की थी, उसकी भी मैंने जगह चेंज की, बदलाव किए तो उसकी भी ब्रीड हो गई। तो कहीं ना कहीं बर्ड्स कहीं ना कहीं जगह से भी जो है वो संतुष्ट नहीं होते जहाँ हमने रखा हुआ है। तो हमें ये सब देखने को मिलता है कि ब्रीडिंग में देरी होती है, तो हमें बदलाव भी जो है वो करते रहना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हम ब्रीड नहीं हो रही तो बदलाव करने में ही लग जाएं। आज ये बदलाव कर दिया, फिर 2 दिन बाद एक और बदलाव कर दिया, फिर बदलाव कर दिए, तो ऐसा नहीं करना है। बर्ड्स को जब ब्रीड पर लगाएं तो उसे टाइम दे, ब्रीड में भी वो टाइम लेता है तो उसे थोड़ा टाइम दे। मैंने 3 माह बाद, मैंने अगस्त में इसको मटकी दी थी, लगभग 2.5 मंथ हो गया है मटकी लगाए हुए, ब्रीडिंग नहीं हुई, तब जाकर मैं अब बदलाव कर रहा हूं, तो आप समझ सकते हैं। तो बदलाव करें लेकिन थोड़ा बर्ड्स को भी टाइम दे, फिर लगे कि नहीं समय ज़्यादा हो गया, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, फिर आप बिल्कुल बदलाव करें। और ये आपके सामने होगा जो भी होगा। तो अब इजाज़त दीजिए, जल्दी मैं आपको इसकी नेक्स्ट अपडेट दूंगा।